गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे यू विल रीड फर्स्ट लेसन ऑफ द पोएट्री। द नेम ऑफ द लेसन इज द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल कंपोज्ड बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। बच्चों आज आप पोएट्री का पहला चैप्टर द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी, ये पहला चैप्टर है पोएट्री का, पोयम का, जो कि राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा कंपोज किया गया, इसकी रचना की गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए बुक में आपका अबाउट द पोयम देखें। अबाउट द पोयम देखिए बच्चों, देखिए अबाउट द पोयम बता रहे हैं। दिस पोयम इज अ डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्पायरल। यह कविता पर्वत और गिलहरी के बीच का एक संवाद है। डायलॉग में क्या होता है, संवाद। द माउंटेन इज वेरी प्राउड ऑफ इट्स टावरिंग बिगनेस एंड लुक्स डाउन अपॉन द स्क्वायरल। पर्वत को बहुत घमंड है, अहंकार है, ऑफ इट्स टावरिंग बिगनेस, जो इसकी ऊंचाई है, टावर गुंबद जैसे, इमारत जैसे, इसकी बिगनेस बड़ाई है, ऊंचाई है, उस पर इसे बहुत अहंकार है, घमंड है पर्वत को। एंड लुक्स डाउन अपॉन द स्क्वायरल, और गिलहरी को वह बहुत तुच्छ देखता है, हे दृश्य देखता है। द स्क्वायरल जस्टिफाइज इट्स एक्सिस्टेंस। गिलहरी जो है इसके अस्तित्व का जस्टिफाई करती, उसका निर्णय करती है। इट सेज दैट गॉड हैज created this universe in a very orderly way after a good deal of thinking। गिलहरी कहती है कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना किया है, created में रचना किया है, this universe, इस ब्रह्मांड की, इस संसार की, ने very orderly way, बहुत सिस्टम से, बड़े ऑर्डर से, ऑर्डरली वे से, तौर तरीके से किया है, आफ्टर गुड डील ऑफ थिंकिंग। और गुड डील ऑफ मीन्स बहुत अधिक, थिंकिंग माने सोच विचार कर। तो गिलहरी बता रही है कि ईश्वर बहुत सोच विचार कर इस ब्रह्मांड की रचना किया है, सिस्टम से रचना किया है, क्रम से किया है। ऑल बिग आर स्मॉल, सभी बड़ी या छोटी चीजें, रिच आर पुअर, धनी या गरीब, हैव ए डिस्टिंक्ट, अपना एक विशेष विशिष्ट स्थान है, क्वालिटी, अपना एक, इनका सबका एक विशिष्ट गुण है। एंड ए डिफिनिट प्लेस, और इनका अपना एक निश्चित स्थान भी होता है। नन इज सुपीरियर आर इन्फेरियर, न तो कोई बड़ा है न कोई छोटा है। सुपीरियर बेहतरीन, इन्फीरियर अपोजिट उसका, न तो कोई श्रेष्ठ है न तो कोई बहुत निम्न ही है। नन शुड बी कंसीडर्ड एज वीक आर यूजलेस, किसी को भी कमजोर या बेकार नहीं सोचना चाहिए, उस पर ऐसा विचार नहीं करना चाहिए वो कमजोर है या बेकार है। तो देखिए ये स्टार्टिंग लाइन क्या बता रहे, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। द माउंटेन मीन्स पर्वत एंड द स्क्वायरल गिलहरी हैड अ क्वारल। पर्वत और गिलहरी के बीच में झगड़ा हुआ, क्वारल मीन्स क्या होता है, झगड़ा। एंड द फार्मर कॉल लेटर लिटिल प्रिग, और फार्मर मीन्स पहले वाला कौन है, पर्वत। कॉल्ड माने कहा, पुकारा, द लेटर मीन्स बाद वाला कौन है, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, लिटिल प्रिग, पहले वाले ने बाद वाले को लिटिल प्रिग अर्थात तुच्छ प्राणी कह के पुकारा, नाचीज कह के पुकारा। जब उसने ऐसा कहा तो बन रिप्लाइड, बन मिस गिलहरी स्क्वायरल, तो गिलहरी जवाब दी, उत्तर दी, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह ही बहुत बड़े हो, आप निसंदेह ही बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वीदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप ईयर, लेकिन सभी प्रकार की चीजें, ऋतु एक साथ मिलकर के एक वर्ष का निर्माण करती हैं, मेकअप ईयर एक वर्ष का निर्माण करते हैं। एंड स्पेयर,
और इन सबको मिलाकर क्या बनता है एक स्फेयर में, संसार ब्रह्मांड। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, गिलहरी कहती है, और मैं सोचती हूँ इट नो डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स इंसल्ट, अपमान, मैं सोचती हूँ इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। टू ऑक्युपाई माई प्लेस, जो ऑक्युपाई मीन्स ग्रहण की हूँ, जो मैं अपना स्थान ग्रहण की हूँ, जो मुझे मेरा स्थान मिला हो, मैं सोचती हूँ इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ जितनी बड़े आप हैं, जितने बड़े आप हैं, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो आप भी तो उतने छोटे नहीं हो जितनी छोटी मैं हूँ। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मेरे के आधे भी फुर्तीले नहीं हुए। एक्टिव स्प्राई क्या होता है, एक्टिव चंचीला फुर्तीला। आई विल नॉट डिनाई यू मेक मेक अ वेरी प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं यह मना नहीं करूँगी तुम गिलहरी के लिए बहुत सुंदर मार्क बना लोगे। टैलेंट डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, ईश्वर ने सबके अंदर बहुत अच्छी तरह और बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रतिभाएं दिया है, अलग अलग प्रतिभाओं को दिया है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल को, वन को नहीं ढो सकती हूँ, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी तो एक अखरोट को भी नहीं तोड़ सकते हो।